हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल किशोर एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा जो आप लोगों ने इस चैनल को इतना सारा प्यार दिया। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जो पीसी हैं, हमारे जो नए पीसी हैं, हम उनको कैसे एडीआर में कन्वर्ट करते हैं और उनको लाखों रुपये कमाने का मौका देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 तारीख से 25 तारीख के बीच में ही हम कर पाते हैं। और सबसे पहला काम है, जिसको हमने पीसी बनाया है उनके पासवर्ड और आईडी नंबर, ये दोनों हमारे को पता होना चाहिए ताकि हम अगर उनका फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, एडीआर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें पहले चाहिए होती है, पासवर्ड और उनके जो मोबाइल नंबर है वो उसमें लॉगिन करना होता है, उसे लॉगिन होता है। और दूसरी चीज़, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे एक कागज़ पेन के ऊपर लिख के रखें ताकि अपन ऑनलाइन फॉर्म भरें उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। और फ्रेंड्स, ये तो रहा इसका प्रोसेस। और अब हम खोलते हैं गूगल क्रोम। अब गूगल क्रोम के ऊपर चल के और ये सारा प्रोसेस करेंगे। और बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी चैनल के ऊपर बना चुका हूँ, एफ्सा आईटी को कैसे इस्तेमाल करना है, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे डालने हैं, एफ्सा आईटी कैसे मंगवाना है, और पीसी कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन कस्टमर कैसे बनाते हैं। और फ्रेंड्स, ये सारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सारी प्रोसेस हम मोबाइल से ही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने लॉगिन कर लिया है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो बास्केट दिखाई दे रही है, इसके बगल में जो ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं अपन। और माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करते ही आपने को ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिन्होंने हमने पीसी बनाया था। तो यहाँ पे नीचे कन्वर्ट टू एमवे डायरेक्ट रिटेलर के ऊपर क्लिक करते हैं अपन। तो पहले रिटेलर बनाते हैं अपन। तो यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, जो अपन परचेज़ करते हैं पीसी की, तो इसके ऊपर लॉयल्टी पॉइंट है तो यस, नहीं तो नो। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं थे तो हमने नो कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम 18 साल, तो 18 साल का होना ज़रूरी है एम में डायरेक्ट रिटेलर बनने के लिए। और यहाँ पे टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे अपन नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर चेक कर लेना है। यहाँ पे हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नंबर चेक कर लिया है 9111-6607, और ये इम्पोर्टेंट है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते ही अपन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू के ऊपर आगे अपन चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो है, 6 से 8 मिनट के बीच का वीडियो है, इसको पूरा देखना होता है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक आगे की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग वीडियो है। इस हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अंदर, एडीआर के अंदर क्या क्या करना होता है, ये सारी सब कुछ इंग्लिश में बताता है। तो चलिए हम इसको शॉर्ट पे दिखाते हैं, पूरा देखेंगे। तो हमने तो पूरा देखा है, लेकिन हम इसको कट पेस्ट करके आगे बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे टर्म कंडीशन एक्सेप्ट हो गई है, जैसे नीचे वाली जो हमने डब्बे राइट का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे राइट का चिन्ह करते ही आगे बढ़ जाएगा ये। तो चलिए यहाँ पे जिनको हमने एडीआर बनाना है उनका डिटेल आ गई है यहाँ पे। पहले जब कस्टमर बनाए थे तो उनका फॉर्म भरा था हमने। तो यहाँ पे चॉइस ऑप्शन दिखाई दे रहा है आईडी का, तो आईडी अपन बाद में भरते हैं, पहले अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे हम आईएफएससी कोड डालते हैं, जिसको भी हम एडीआर बनाने जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जो एड्रेस प्रूफ है वो सारे एक कागज़ के ऊपर लिख लें ताकि हमारे को फॉर्म भरने में आसानी रहे। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं बैंक आईएफएससी कोड, इससे बैंक का नाम आ जाएगा डालते ही। और नीचे हमारे को अकाउंट नंबर वगैरह ये भरना होता है, जो भी प्रोसेस है ये सारी सिंपली प्रोसेस है, ये मोबाइल से भरना होता है। आईएफएससी कोड अपने इसके अंदर डाल दिया है, जैसे आईएफएससी कोड डालते हैं तो बैंक का नेम आ जाता है। और नीचे हमारे को भरना होता है अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर हमारे को सही तरीके से ध्यान से भरना है ताकि हमारे जो एडीआर पार्टनर बनने जा रहे हैं उनकी जितना भी जो कमीशन है वो बैंक में ट्रांसफ़र हो सके। वैसे एमवे कॉरपोरेशन 1 रुपया डालती है, जैसे ही पार्टनरशिप मिलती है एमवे से तो 1 रुपया डाल के देखती है, चेक करती है अकाउंट। फ्रेंड्स, अकाउंट नंबर बड़े ध्यान से भरे, ऊपर जो अपन ने अकाउंट नंबर भरे हैं सेम अकाउंट नंबर नीचे भरना होता है, कंफर्म अकाउंट नंबर।
तो फ्रेंड्स कहीं पे भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है तो तुरंत मिसमैच बता देता है। तो यहाँ पे हमने आईडी नहीं करी थी, तो आईडी के ऊपर अपन चौथ आईडी के ऊपर क्लिक करे हैं, तो वहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है, आधार नंबर डालना होता है। जैसे आधार नंबर डालेंगे अपन और अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, अपने को आगे की जो आधार कार्ड की आईडी है उसकी फ़ोटो खींच के रखनी होती है, तो उसको अपन यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो अपनी प्रोफाइल खुल जाएगी, और प्रोफाइल के अंदर जाके जो आधार कार्ड के आगे की फ़ोटो खींची थी उसको अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर मेंशन कर दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। सारा इधर से कंप्लीट हो गया है प्रोफाइल अपना, और आगे की जो प्रक्रिया है वो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से देख लिया है, कहीं कोई छूटा तो नहीं है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन। फिर थोड़ा नेट इशू है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स जो हमने एड्रेस भरा है वो एड्रेस दोबारा से अपन चेक कर लेते हैं। जब अपन ने पीसी बनाया था तब भी एड्रेस भरा था, तो उस वक्त थोड़ा शॉर्ट में एड्रेस था। अब जो आधार कार्ड के अंदर एड्रेस अपन अपलोड करेंगे वही एड्रेस इसके अंदर मेंशन करना है, क्योंकि अपन एड्रेस की भी तो फ़ोटो अपलोड करेंगे इसके अंदर। तो एड्रेस का सारा जो भी है वो सारा यहाँ पर मेंशन करेंगे, और यहाँ पर फिर से अपने को आधार कार्ड नंबर डालने होंगे, और इसके जो आधार कार्ड के पीछे की जो एड्रेस फ़ोटो है वो पहले से खींच के रखनी है। और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, अपन फाइल के अंदर जाएंगे, जैसे गैलरी के अंदर जाके आधार कार्ड के पीछे की फ़ोटो अपलोड करनी है इसके ऊपर। यहाँ पे हमने मेंशन फ्रेंड्स यहाँ पे एड्रेस एक बार फिर से कंफर्म कर लेना है, जो आधार कार्ड के अंदर लिखा हुआ है एड्रेस वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अपने को ईमेल आईडी डालनी होती है, जो पहले से है, जब पीसी बना रही तब भी हमने डाली थी, लेकिन कंफर्म ईमेल आईडी दोबारा डालनी है वही ईमेल आईडी जो हमने पहले डाली थी। और अगर आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी हो जाती है। यहाँ पे मोबाइल नंबर चेक कर लेना है, अगर मोबाइल नंबर भी चेंज करना चाहते हैं आप, वैसे मोबाइल नंबर यही रहेंगे, मोबाइल नंबर के ऊपर मोबाइल नंबर भी चेक कर लें एक बार। और सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, और हमारे जो पीसी थे वो एडीआर में कन्वर्ट हो चुके हैं, एमवे डायरेक्ट रिटेलर ये बन चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, और ऐसे ही वीडियो हम और लाते रहेंगे। जब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।